इसराइल हमास में जारी सैन्य तनातनी के बीच लेबनान का हिजबुल्ला आतंकी संगठन भी कूद पड़ा है। इसके बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। हिजबुल्ला लड़ाकों ने लगातार हमले कर इसराइल की नाक में दम कर दिया है। हिजबुल्ला अब तक ताकतवर मिसाइलों के बूते इसराइल को कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। हाल ही में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को चेतावनी दी कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। इस दौरान नसरल्ला ने हुंकार भरते हुए दावा किया कि उनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इजरायल के सुदूर दक्षिण तक पहुंच सकती हैं। हिजबुल्ला चीफ ने कहा कि हमारी सटीक निर्देशित मिसाइलें इजरायल के लाल सागर तट पर इलियट तक पहुँच सकती है। आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी कर अपनी सुपर पावरफुल मिसाइल की भी नुमाइश कर इजरायल को कड़ा संदेश दिया है। वीडियो में हिजबुल्ला के मिसाइल टेस्ट के फुटेज देखे जा सकते हैं, साथ ही इन मिसाइलों की सीमा को बताने वाले मैप भी देखे जा सकते हैं जो दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीन तक पहुंचने का मादा रखते हैं। खास तौर से कियर शमोना से लेकर इलियट तक इजरायली लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। हसन नसरल्ला ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को आगाह किया कि हिजबुल्ला के धाकड़ रॉकेट्स हमलों के 2 मिलियन इजरायलियों के विस्थापन से निपटने के लिए शेल्टर्स और टेंट तैयार करने चाहिए। ऐसा दावा किया गया कि चरमपंथी संगठन के मुखिया की धमकी के बाद इजरायली मीडिया ने उत्तरी बस्तियों में सैन्य जमावड़े की वृद्धि में सूचना दी। इजरायली चैनल KAN की माने तो नसरल्ला के भाषण के चलते इजरायली कब्जे वाले अधिकारियों ने उत्तर में कई सड़कों को अवरुद्ध किया। गौरतलब है कि मोसाद के पूर्व प्रमुख डैनी याटोम ने माना है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के साथ युद्ध मोर्चा शुरू करना इजरायल के हित में नहीं है। याटोम ने एक इजरायली मीडिया आउटलेट को बताया कि इजरायल आज प्रतिरोध की धुरी के खिलाफ अकेला खड़ा है, हम इससे लड़ने के लिए मजबूर हैं। हिजबुल्ला ने बीते शुक्रवार को इजरायली कब्जे वाले बलों के सैन्य स्थलों और विधानसभा बिंदुओं को निशाना बनाने की जिम्मेदारी ली। हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसने डोवेव बैरक के आसपास इजरायली कब्जे वाले सैनिकों के असेंबली पॉइंट को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे उनकी तैनाती पर बड़ी क्षति हुई है। इस तरह प्रतिरोध ने रमिया स्थल पर तैनाती इजरायली सैनिकों के एक समूह को निशाना बनाया, जिसके सीधे हमले की पुष्टि हुई और कई लोग हताहत हुए, जिसमें कम से कम एक सैनिक की मौत हो गई है।